हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ घर पर ही ग्लास स्किन फेसियल कैसे कर सकते हैं। पर उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए, और आप चाहे तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फेसियल करने से पहले ये ध्यान में रखिए कि आपके फेस में कोई भी मेकअप ना हो। अगर मेकअप है तो उसको रिमूव कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही अप्लाई करें। और इस फेसियल को हर तरह की स्किन वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मैं बताती जाऊंगी, अगर सेंसिटिव स्किन है तो कुछ स्किप करना होगा तो मैं बता दूंगी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। चलिए फिर देखते हैं क्या क्या चाहिए क्लींजिंग के लिए। फर्स्ट हम लोग लेंगे 1 टेबलस्पून दही यानी के योगर्ट, 1 टीस्पून हनी यानी के शहद। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मेरे फेस में कोई भी मेकअप नहीं है। तो इसको 2 से 3 मिनट तक एकदम हल्के हाथ से क्लीन कर लेंगे, और आप चाहे तो कॉटन से भी क्लीन कर सकते हैं। योगर्ट इज रिच इन लैक्टिक एसिड दैट रिमूव्स डेड स्किन लेयर जेंटली फ्रॉम योर फेस। हनी हेल्प्स बैलेंस द बैक्टीरिया ऑन योर स्किन। एक्ने के लिए बहुत ही अच्छा है। हनी स्पीड अप योर स्किन सेल हीलिंग प्रोसेस एंड ड्राई डल स्किन एंड रिवील न्यू स्किन सेल्स। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से क्लीन करने के बाद नॉर्मल पानी से धो लेंगे। सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। तो उसके लिए चाहिए 1 टीस्पून कॉफी पाउडर, 1 टीस्पून दही, 1 टीस्पून हनी। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ पेस्ट बन गया है, अभी हल्के हाथ से स्क्रब करेंगे। 2 से 3 मिनट तक एकदम हल्के हाथ से स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने से हमारे फेस में जितने भी व्हाइट हेड्स या फिर ब्लैक हेड्स हो गए हैं उसे रिमूव करेगा अच्छे से। कॉफी एक्ट एज ए ग्रेट एक्सफोलिएटर, क्लींजिंग बेनिफिट्स, और कॉफ़ी में विटामिन बी भी पाई जाती है। कॉफ़ी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। कॉफ़ी हमारे स्किन को एक ग्लोइंग इफेक्ट भी देता है। इसके बाद नॉर्मल पानी से धो लेंगे। अभी हमारा थर्ड स्टेप है मसाज। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून योगर्ट यानी कि दही, 1 पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी, 4-5 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। अगर आपके स्किन सेंसिटिव है तो आप लेमन जूस को स्किप कर सकते हैं। पाँच मिनट तक एकदम हल्के हाथ से मसाज करेंगे। मसाज हेल्प्स प्रोमोट हेल्दी स्किन वाइल रिलैक्सिंग योर फेशियल मसल्स, हेल्प यू लुक एंड फील बेटर।
अच्छे से 5 मिनट तक मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से धो लेंगे। फोर्थ स्टेप है फेस पैक, तो इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर, 1 टेबलस्पून टोमेटो जूस, 1 टीस्पून हनी यानी कि शहद, 2 टेबलस्पून दही यानी कि योगर्ट। इन सारों को मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मसाज करने के बाद कितना ग्लो कर रहा है और पैक लगाने के बाद कितना ग्लो करेगा। तो इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे, अपने आईब्रोज पे और आँखों में ना लगाए, ध्यान से लगाए और थोड़ा सा ठीक से लगाए। और इसको लगाने के बाद 20 to 25 मिनट्स रखें, उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लें। और टोमेटो में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, रिमूव डेड स्किन सेल्स, रिड्यूस सनबर्न। टोमेटो में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन सी होती है, जिसके वजह से हमारे फेस में जितने भी दाग धब्बे हो गए हैं उसे भी दूर करने में मदद करता है। और इस फेसियल को आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम नेचुरल है। टीनेजर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी से अपना फेस धो लिया है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। और इसी के साथ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।